The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल। हमने प्रीवियस क्लास में इंडियन मेडिकल काउंसिल पढ़ लिया है, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हम इसे कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेट मेडिकल काउंसिल क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम स्टेट मेडिकल काउंसिल करती है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव अमेजिंग एक्सक्लूसिव कोर्सेज इन अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, एन एप्लीकेशन स्टोर से, ऐप स्टोर से, अगर आपके पास आईफोन है तो। सो दोनों ही जगह पे ये अवेलेबल है एंड आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अगर आप UGC नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्रिमिनोलॉजी में फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वी हैव क्लासेस अलॉन्ग विद पेपर वन। सो पेपर वन प्लस पेपर टू की क्लासेस है, सेमेस्टर क्लासेस भी है, सेमेस्टर कोचिंग क्लासेस भी है। अगर आपको सेमेस्टर में हेल्प चाहिए, सो वी हैव कोचिंग क्लासेस जो आपकी इंटरनल एंड सेमेस्टर्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल। सो स्टेट मेडिकल काउंसिल से एक चीज ऑलरेडी क्लियर हो रही है कि ये स्टेट लेवल पे काम करता है ना। जब हम इंडियन मेडिकल काउंसिल की बात करते हैं तो एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल काउंसिल है जो पूरी की पूरी इंडिया को गवर्न करता है मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में। हम जो भी फंक्शंस हमने पढ़े उन सभी के फील्ड में जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो स्टेट को गवर्न करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करेगा। एंड उसके क्या क्या फंक्शन है, जितने भी फंक्शन होंगे वो विद इन द स्टेट होंगे, एक ही स्टेट में वो गवर्न कर सकता है स्टेट मेडिकल काउंसिल। ठीक है, द स्टेट मेडिकल काउंसिल आर ऑटोनोमस बॉडीज विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्ट। तो ये कौन से लॉ के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है, ये स्टेट मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। एंड जो इंडियन मेडिकल काउंसिल था वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। सो वी हैव एक्ट, क्योंकि हम लीगली भी बाउंड होते हैं। ओके, ईच ऑफ दीज मेडिकल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स विच इज इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब जो इस काउंसिल के मेंबर होंगे वो सारे के सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही होते हैं। ये जो काउंसिल है वो कुछ मेंबर्स से बनती है, यानी सारे के सारे मेंबर्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। एंड दो Those people are nominated by state government. और उनको कौन nominate करती है, state government nominate करती है ताकि वो इस council में as a member काम कर सके। The president and vice president of the council are elected by the members from among themselves. So, जो भी president बनता है इस council का and जो भी vice president बनता है इस council का वो election के through बनता है, ये आपस में election करते हैं। इसके लिए कोई अलग से election नहीं होता, ये उसी ग्रुप के अंदर इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शंस हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल के, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करना। तो हमने इंडियन मेडिकल काउंसिल में देखा था वो भी मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करती है, बट वो उन सारी चीजों को इंक्लूड करती है जो स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है। तो इसी वजह से स्टेट मेडिकल काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जो मेडिकल रजिस्टर है, द काउंसिल अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रार। अब एक रजिस्ट्रार भी होना चाहिए जो ये सारी चीजों की देखरेख करेगा, हु कीप्स अ रजिस्टर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो उस पूरी की पूरी स्टेट में जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। एनी पर्सन हैविंग एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन कैन गेट हिज और हर नेम रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, मैंने अपनी इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो मैं खुद को रजिस्टर करवाऊंगी, है ना। मैं जाऊंगी मेडिकल काउंसिल एंड मैं खुद को रजिस्टर करवाऊंगी, एंड कुछ उसमें फीस भी होती है रजिस्ट्रेशन की, तो वो फीस देने के बाद मुझे रजिस्टर कर लिया जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं काम करना चाहती हूँ अब तो। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा उस रजिस्टर पे नाम और मेरा रजिस्ट्रेशन रहे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द नेम, रेसिडेंस, क्वालिफिकेशन। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, नेम, ठीक है, रेसिडेंस, क्वालिफिकेशन एंड द डेट ऑन विच ईच क्वालिफिकेशन वॉज ग्रांटेड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ग्रेजुएशन है, अगर मेरे पास मास्टर्स भी है,
ठीक है, तो दोनों ही क्वालिफिकेशन कब ग्रांट करी गई थी वो भी मेंशन होता है, नेम, डेट, रेसिडेंस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में मेंटेन रहती है. एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस. भाई मैंने बोला कि एक जो फीस होती है वो पे करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एंड बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप काम नहीं कर सकते, इस वजह से रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, After passing the qualifying examination, it is necessary to undergo a period of training before such qualification is granted to him. So, भाई मैंने बताया कि अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड मेंटेन करी होनी चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करी होनी चाहिए, उस ट्रेनिंग के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. ऐसा नहीं कि आज आपके कॉलेज का लास्ट डेट तो आप मेडिकल रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए, नहीं, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होती है. ओके, अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर इज गिवन टू सच पर्सन ऑन एप्लीकेशन टू एनेबल हिम टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड. अब कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करता है. अगर किसी भी पर्सन को ये पावर देनी है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रैक्टिस कर सके मेडिसिन. Any additional qualification obtained later can also be registered. So, अगर आपने registration करा लिया, you are a medical practitioner. So, इसके बाद अगर आप कोई higher education pursue करते हैं तो वो भी register कराना बहुत जरूरी है. तो अगर आप PG करते हैं तो वो भी आपको register कराना जरूरी है. The registrar should inform the medical council without delay for all additions and other amendments in the state medical register मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो जैसे ही स्टेट मेडिकल काउंसिल को ये पता चला कि किसी भी बंदे ने हायर एजुकेशन ऑप्टेन करी है तो उसे भी रजिस्टर करना जरूरी है. स्टेट मेडिकल काउंसिल को ये इन्फॉर्मेशन इंडियन मेडिकल काउंसिल को भी देनी होती है ताकि वो भी ये चीज़ रजिस्टर कर सके. तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम करती है स्टेट मेडिकल काउंसिल. अब जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल है वो भी स्टेट मेडिकल काउंसिल ही हैंडल करती है उस स्टेट में, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी डिसिप्लिनरी कंट्रोल होते हैं. सो जितने भी डिसिप्लिनरी कंट्रोल होते हैं वो स्टेट मेडिकल काउंसिल हैंडल करती है उस पर्टिकुलर स्टेट में. दे हैव अ डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड है उन सभी में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम स्टेट मेडिकल काउंसिल करती है. दे हैव द पावर टू रिमूव द नेम्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम देयर रजिस्ट्रेशन व्हेन आफ्टर ड्यू टू इंक्वायरी दे फाउंड टू हैव बीन गिल्टी फॉर सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अच्छा, ये दो पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, पता नहीं क्यों ऐसे दो पॉइंट हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सुना होगा कि अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है तो उनके जो रजिस्ट्रेशन है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, है ना. हम ये कहते हैं ना कि उनका मेडिकल लाइसेंस अब जब्त हो गया या फिर उनका मेडिकल लाइसेंस अब यूजलेस हो गया. तो ऐसा कैसे होता है, जो मेडिकल लाइसेंस की हम बात करते हैं, दिस इज द रजिस्ट्रेशन इन स्टेट मेडिकल काउंसिल. अगर आपको सीरियस मिसकंडक्ट करते हुए पकड़े गए तो या तो वो डिपेंड करता है कि कितनी सीरियसनेस थी उस मिसकंडक्ट में, एंड अगर जरूरी ये होता है तो आपका परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं. मतलब अगर आपने अपनी सारी की सारी लाइफ लगा के, अगर आपने पढ़ाई करी है मेडिकल की, अगर अपनी सारी की सारी लाइफ लगा के आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है, उसके बाद अगर आप मिसकंडक्ट करते हो और अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको परमानेंटली निकाल देता है अपने रजिस्ट्रेशन से या फिर अपने अंदर से, तो आप कभी भी इस देश में मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. कोई अदर वे नहीं है, आप कभी नहीं कर पाओगे मेडिसिन प्रैक्टिस. अगर कुछ ऐसा स्मॉल मिसकंडक्ट है जो आपको फाइन दे के, आपको सजा दे के, या फिर आपका जो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपके लाइसेंस सस्पेंड हो रहा है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रहा है, तो भी उस पर्टिकुलर जब तक सस्पेंड हुआ है तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. एंड उसके बाद जब अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर लोगे तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ मिसकंडक्ट क्या है, आप किस तरीके का क्राइम कर रहे हो, या वो क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल मिसकंडक्ट है या सीरियस मिसकंडक्ट. ठीक है, दे ऑल्सो ऑथराइज द डायरेक्ट दे आर ऑल्सो ऑथराइज टू डायरेक्ट द रेस्टोरेशन ऑफ नेम सो रिमूव्ड. अगर कोई नेम रिमूव किया गया है और उसका रिस्टोरेशन करना है तो भी ये हैंडल स्टेट मेडिकल काउंसिल करती है. जैसे कि वार्निंग नोटिस इंडियन मेडिकल काउंसिल जारी कर रही थी, वैसे ही स्टेट मेडिकल काउंसिल भी कर सकती है. तो इतना समझो सिमिलर काम ही होता है स्टेट मेडिकल काउंसिल और सेंट्रल, मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल का. बस ये थोड़ा सा एरिया का डिफरेंट होता है. जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में बाउंड होती है, एंड जो इंडियन मेडिकल काउंसिल होती है वो पूरे के पूरे इंडिया को गवर्न करती है.
सो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है स्टेट मेडिकल काउंसिल की। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये हेल्पफुल है सो यू कैन क्लिक द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अस। अगर आपने अभी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस देयर एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। बाय।